क्या करें यार, एक ही दिन के लिए मुंबई आया है और बहुत सारी जगह घूमनी है, सो लेट्स गो। काफी अच्छा लग रहा है इंडिया गेट देखकर, गेटवे ऑफ इंडिया देखकर। गाइस कहाँ है, बस फोटो खिंचवा लेते हैं ऐसे करके, मेरी फोटो खींच दो। मरीन ड्राइव, ताज होटल, कोलाबा मार्केट एंड गेटवे ऑफ इंडिया देखने के बाद अब बारी थी थोड़ी पेट पूजा करने की। तो मैं और मेरे टूर गाइड आ गए कैफे मोंडेगर, जो कि बहुत ही प्यारा है। हर जगह यहाँ पे डूडलिंग हो रखी थी एंड काफ़ी एस्थेटिक वाइब्स थी। तो हमने ऑर्डर करा फ्राइज एंड ड्रिंक्स, है ना। हम बैठे हैं अभी काली पीली वाली टैक्सी में, आगे भी एक वही है, पीछे भी वही है, लाइक बहुत है यहाँ पे। कैसा रहा आपका दिन? ऑफकोर्स गाइस दिस इज मी, क्यूट क्यूट। इतनी बेकार फोटोज खींची है इन्होंने मेरी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये देखो डबल डेकर बस। रणबीर कपूर के फेमस गाने में तो आप सबने सुना ही होगा, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। एंड आज का सफ़र हमारा बहुत सुहाना था, काफ़ी सारी सुंदर चीज़ें देखने को मिली और अब मंजिल थी होटल। डोंट लुक एट माय फेस बट आई हैड अ ब्लास्ट टुडे, सो मरीन ड्राइव ऐसे लग रहा है कि बस मैंने जंगल देखी है। फर्स्ट मैंने थोड़ी शॉपिंग करी, फ्रेश मैगनेट्स और फ्लोर पे आ गया। ये बहुत ही प्यारा सा कैफ़े हमारे होटल में ही था नीचे, एंड हम यहाँ पे अपनी वीडियो का लास्ट पार्ट शूट करने आए थे, जो कि हमें कंप्लीट करना था बिकॉज वो डिनर सीन था, तो इसलिए हमने रात तक का वेट किया। अब इसके बाद हम एक्चुअली डिनर करने जा रहे हैं। लास्ट नाइट इन बॉम्बे एंड ऑफकोर्स हम थोड़ा फाड़ी वाड़ी करने जा रहे हैं बाहर। मेरे पास ना अभी एक ही ड्रेस थी, तो लास्ट मोमेंट प्लान करा, तो यस आई पैक दिस वन, ड्रेस भी नहीं है बट इट्स फाइन आई गेस। साथ में अभी स्लिपर्स ही डाल रही हूँ बिकॉज मेरा पैर बहुत दुख रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बॉम्बे घूमा। क्या गोइंग फॉर पार्टी, और मेरे दो फ्रेंड्स अगर दोनों क्रिएटर्स हैं और उनके भी कुछ फ्रेंड्स वो आ रहे हैं, सो वी विल सी हम क्या करेंगे। वैसे तो आई थिंक हम थोड़ा लंच वंच डिनर करेंगे। आई एम वेयरिंग दिस प्रिटी येलो ड्रेस बिकॉज इट्स क्यूट एंड आई ओनली हैव दिस ऑप्शन बिकॉज हमारे पास पैक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, तो जो मिला हमने पैक कर लिया। गाइस जुहू बीच एक्चुअली हमारे कैफे से दिख रहा था और वेव्स आती हैं दिख रही थी और इतनी प्रिटी लग रही थी, तो हमने सोचा खाने के बाद एक वॉक करके आते हैं बीच पर। तो हम रात को गए और इतना प्यारा लग रहा था, इतनी शांति थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े बहुत ही लोग थे। सो बीच व्यू एंजॉय करने के बाद अब बारी थी कैरियोके नाइट की। You
बहुत ही बेसुरा गाना गाने के बाद बस मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग आ रहा था, जिसमें कंटेस्टेंट को कहते कि आप मुंबई आ रहे हैं और मेरे को कहा जाएगा कि आप दिल्ली वापस जा रहे हैं। बट गाइज अब टाइम था घर जाने का, सुबह के 5 बज रहे हैं और स्टिल यहाँ पे बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश कभी रुकती क्यों नहीं है भाई, सुबह से बारिश हो रही है। बट इट्स रियली प्रिटी, मन कर रहा है कि बाहर जाके डांस कर लो बारिश में। माय गॉड गाइस, आई हैड अ क्रेजी डे टुडे और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज की हमारी फ्लाइट आज है 29th of July और आज हमारी फ्लाइट है अभी 2 बजे, 5 बजे हम घर आए हैं। लेजिट अभी जस्ट रूम में एंटर करा है, मैं चेंज करूँगी और बारिश में हम पूरा भीग गया, लेफ्ट साइड तो पूरी भीग गई है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि फ्लाइट भी टाइम से हो गया हमारी, बट व्हाटएवर, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे 5 बजे रात के घर आके। और यस दिस इज़ मी। आज हमने बहुत मतलब शूट करा ऑफकोर्स, उसके बाद मैंने मरीन ड्राइव घूमा, कोलाबा घूमा, काफ़ी सारी जगह घूमी, पूरा बॉम्बे दर्शन जितना भी एक दिन में एक्सप्लोर कर सकती मैंने सब कर लिया। एंड देन उसके बाद हम पार्टी करने गए कैरियोके नाइट में, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड अ ब्लास्ट। अभी मैं बस मूड होंगे और मैं सो जाती हूँ बिकॉज मेरे को सुबह भी उठना है और पैकिंग करनी है और चेकआउट करना है। गुड नाइट। ब्यूटीफुल चीज़ कही है, सच में बादल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ से। और अभी हम बाकी सारी चीज़ों को साइड लाइन करते हैं, थोड़ा सा बादल पे फोकस करेंगे थोड़ी देर। ये 2 दिन का मुंबई ट्रिप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहेगा बिकॉज इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी, काफ़ी सारे नए लोगों से भी मिले, पार्टी करी, मस्ती करी, काम भी करा। बड़ा पारी थी घर वापस जाने की बिकॉज दिल्ली के लोग मोमोज खाए बिना ज़्यादा दिन कहाँ रह सकते हैं यार। See you soon, Mumbai.